एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं NBT टेकेड नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं। और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ना, ये डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट दोनों ही उम्मीदवारों के लिए है। तो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। ECIL ने जो भर्ती निकाली है वो भर्ती करीब 400 पदों पर है और पदों का नाम है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। So, अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या फिर आपने बीटेक या बीई किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपको कहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। सो एक वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in। आपको सबसे पहले यहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है और एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे ना तो फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा www.ecil.co.in और यहाँ पर आपको भरना होगा अपना फॉर्म। अब आपको ना क्विकली एक बार इसकी क्वालिफिकेशंस भी बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये जो भर्ती है ना, ये डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों ही उम्मीदवारों के लिए। सो अगर आपने मैकेनिकल या फिर सिविल जैसे ब्रांचेस में डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का या फिर आपने बीई और बीटेक की डिग्री भी ली है ना, तो आप दोनों ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एज लिमिट भी बता देते हैं, क्योंकि अगर आप तय एज लिमिट के अनुसार आप नहीं होंगे फॉर्म भरते वक्त तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही आपने बीटेक बीई किया हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो। एज लिमिट की जो क्राइटेरिया है ना, इसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ECIL की जो भर्ती होने वाली है इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है फॉर्म भरते वक्त तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो हम आपको तो यही सलाह देंगे कि एक बार जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, उससे पहले नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए ताकि कोई भी माइन्यूट डिटेल आपसे ना छूटे और आप जब फॉर्म भर रहे हो ना तो आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल तो बिल्कुल ना आए। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन पदों के लिए आपने फॉर्म तो भर दिया और साथ ही आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट है, लेकिन आपका इन पदों पर सिलेक्शन कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपको ना अपने मेरिट के आधार पर जज किया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा कि आपने बी में कितने मार्क्स लिए थे या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके बीटेक में कितने मार्क्स थे या फिर अगर आपके पास 3 सालों वाला डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आपने उसमें कितने मार्क्स स्कोर किए थे। सो इन तीनों के लिए ना मेरिट लिस्ट एक प्रिपेयर की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है आप ECIL की इस भर्ती के लिए ना सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको बताई ECIL में होने वाली भर्ती के बारे में, जिसमें डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन से गो थ्रू बहुत अच्छे से हो जाना है ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। वैसे तो हम आपको हर चीज़ कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे, आपको बस हमसे सवाल पूछना है और हम आपको वहाँ पर आंसर दे देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के ज़रिए जुड़ सकते हैं। विल ट्राई कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स और जाननी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेकेड।